जी संजीव बाबा संजय दत्त देखा आपने कि रियासत साहब और याकूब साहब ने आपके वालिद साहब का जो घर है वो कितनी हिफाजत से रखा हुआ है चौरानवे में आए थे सुनील दत्त वो भी देख के बड़ा खुश हुआ था अच्छा संजय दत्त साहब आए थे सुनील दत्त आए थे सुनील दत्त सुनील दत्त यहाँ आए थे और संजय दत्त नहीं है नहीं का कहना था कि इसको प्लीज ऐसे ही रखें एक दिन मेरा बेटा भी आएगा अच्छा मेरे दसो तहु दिसदा नहीं जी ना नज़र नहीं है नज़र ये अंदर से रोशन है इनकी बातें हमारे लिए रोशनी का बास हैं ये हमारे बड़े हैं और हम भी दुआ करेंगे आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इनको सलामत रखे इनको खुश रखे ओ संजू बाबा आपके लिए ऑफर है आप आए पाकिस्तान मैं आपको दावत देता हूँ मेरे मेहमान बने और मैं आपको आपके डैडी के गांव का विजिट करवाऊँगा और आपके अजदाद का ये घर आपको दिखाऊँगा बरलाज दत्त जिसे दुनिया सुनील दत्त के नाम से जानती है 6 जून उन्नीस में इस गांव में पैदा हुए थे इस गांव का एक बूढ़ा आज भी संजय दत्त के इंतज़ार में है गांव की 100 साल सफिया माई आज भी दत्त फैमिली को याद किया करती है इस गांव में एक कहानी यह बयान की जाती है कि दत्त फैमिली के लोगों को यहाँ के मुसलमानों ने झगड़ों से बचा कर बा हिफाजत बार्डर पार करवाया था सुनील दत्त उनके पिताजी और सुनील दत्त की छः बहनें इस गांव से हिंदुस्तान गई थी ये गांव जिसका नाम खुर्द है जेलम का एक गांव है आज ये गांव तरक्की कर गया मगर कभी यहाँ कच्चे घर हुआ करते थे कच्ची गलियाँ हुआ करती थी, मगर मोहब्बतें बहुत पक्की थी इस गाँव के लोग आज भी सुनील दत्त और उनके ख़ानदान को याद करते हैं उन्नीस बंटवारे का साल हिंदुस्तान की तकसीम के साथ ही लाखों हिंदू और सिख पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर गए और हिंदुस्तान से लाखों मुसलमान अपने घर बार ज़मीनें दोस्त रिश्तेदार छोड़कर हमेशा के लिए पाकिस्तान आ गए बहुत कड़ा वक्त था दोनों तरफ इंसानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा था उस हंगामा खेज दौर में इंडियन एक्टर सुनील दत्त भी पाकिस्तान से हिजरत करके अपने ख़ानदान के साथ इंडिया चले गए थे अस्सलाम वालेकुम मेरे आजीज़ोक़ारि मेरे अजीज़ो महूफ तारफ़ी प्यारे पाकिस्तान के शेर दिलेरों के शहर जेहलम से जी हाँ और मैं यहाँ पर आया हूँ इस इलाके का नाम है गांव का नाम है खुर्द और इस खुर्द इलाके से इस गांव से ताल्लुक़ था संजय दत्त के जो डैडी थे सुनील दत्त का आए मैं आपको दिखाता हूँ गाड़ी मैंने बहुत पीछे पार्क कर दी क्योंकि ये गांव है यहाँ के लोग क्योंकि बाहर गए हुए हैं बाहर के मुल्कों में तो उन्होंने कोठियाँ वगैरह तो बना ली हैं लेकिन ये है तो गाँव और देखें छोटी सी सड़क है आए मेरे साथ दोस्तों आपने देखा कि क्योंकि गाँव है और ये पुराने कुछ घर हैं यहाँ लेकिन पीछे मेरे आपको बड़े और जदीद घर भी नज़र आ रहे होंगे ये खुर्द का इलाका है और 47 से पहले सुनील दत्त साहब यहाँ रहते थे और वो एक बार यहाँ आए भी थे और उसकी मैं कुछ कवरेज भी दिखाऊंगा और दुआ कीजिएगा कि जिस घर में हम जा रहे हैं वो घर वाले हमें संजय दत्त के डैड का वो घर दिखाने दें दत्त फैमिली का पंजाब अब तरक्की कर चुका है यहाँ पर पक्की पक्के घर बन चुके हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ संजय दत्त के डैडी के घर पुराने घरों की जगह लोगों ने नए घर तामीर कर लिए हैं जिसकी वजह से मैं ये जान नहीं पाया अभी तक के संजय दत्त के डैड सुनील दत्त का घर कौन सा है लेकिन इसी गली में कहीं उनका घर मौजूद है दोस्तों मुझे बताया गया कि इस गली में देखें ये पुरानी तमीरत बिफोर पार्टीशन की हैं इस गली में मुझे, मुझे बताया गया है कि सुनील दत्त का जो घर है वो इस गली में है कन्फ्यूजन हो रहा है पूरी गली देख रही है लेकिन मुझे जो बताया गया वो यहाँ ये वाला घर है या ये वाला घर है लेकिन ये घर नहीं है तो मेरा ख्याल है इसी घर का दरवाजा खटखटा कर पूछते हैं तो हो सकता है गाइड करते हैं जनाब तो किस, है किस तरह तुछ 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 ਮੈਂ ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਐਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਜੇ ਦਾਤ ਦੇ ਵਾਲਦ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੀਲ ਦਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਐ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਅਹ ਦੋਸਤੋ ਸੰਜੇ ਦਾਤ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਰਦਾ ਕਰਵਾ ਲਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਨਾਬ ਆਇਓ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਾਲੀ ਕੋ ਵੀ कि उन्होंने पहचान लिया और मैं कोशिश करूँगा कि घर को अंदर से दिखाता हूँ और चूँकि हमारे पंजाब की रिवायत है रैतल बैतल का हिस्सा है कि पहले पर्दा करवाया जाता है तो पहले वो पर्दा करवा दें तो बाहर से तो ये बिल्कुल चेंज कर दिया गया अंदर पुराना होगा आ जाए सर जनाब आए जी अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं ये घर वाह जी वाह ये हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने कुछ नया बना लिया क्योंकि पुराना टूट गया था और बाकी जो उन्होंने जो संभाल के रखा हुआ है जब चौरानवे में आए थे सुनील दत्त वो भी देख के बड़ा खुश हुआ था अच्छा संजय दत्त साहब आए थे सुनील दत्त आए थे सुनील दत्त सुनील दत्त यहाँ आए थे और संजय दत्त नहीं आए नहीं उन्होंने का कहना था कि इसको प्लीज़ ऐसे ही रखें एक दिन मेरा बेटा भी आएगा और मेरे बुजुर्गों ने ऐसे ही संभाला हुआ है उसी के इंतज़ार में एक दिन वो जरूर आएगा भी जरूर आएगा संजू बाबा आपके डैडी का घर मैं आपको दिखाने लगा लगाऊँ और आपके डैडी ने ही कहा था कि ये घर आपका नाम क्या है राना नहीं नाम राना नहीम साहब वाजिबा बड़ा खूबसूरत ये तो बड़े पिलर ये वाला है ना सारा पुराना वाह वाह वा, 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 वा। दोस्तों ये बड़ा खूबसूरत देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है इस दरवाजे के ऊपर और ये सारी वही कंस्ट्रक्शन है तो अंदर लाइट है आ, दोस्तों इनका कहना है कि इसको संभाल लिया गया और ये इस घर को अगर हम चारों तरफ से देखें तो यहाँ पे एक हैंड पंप है पंप गेड़ के पानी था सी एक मोटर भी उसके साथ लग गई है लेकिन देखते हैं ये पंप काम करता है कि नहीं करता मेरा ख़्याल है करता है जी करता है बिल्कुल करता है ये दोस्तों ये सारी पुरानी कंस्ट्रक्शन है ये घर आ, सुनील दत्त का और मेरा ख़्याल है कि आए यहाँ पर जो मालकान हैं इस घर के इस वक्त उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे पूछते हैं कि उन्होंने घर क्यों संभाल के रखा हुआ है और इसकी तारीख क्या है मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी रियासत साहब और चौधरी याकूब साहब चौधरी याकूब साहब जो हैं ये फोटी सेवन में आप कहाँ से आए थे अम्बाले अम्बाले से जो है हिजरत करके यहाँ पर आए थे तो ये घर किसका घर है ये सुनील दत्त का सुनील दत्त का आपने इस घर को बहुत संभाल के रखा हुआ है संजय दत्त के इंतजार में आप बैठे हुए हैं जी जी। क्योंकि सुनील दत्त ने जाते हुए जब वो यहाँ विजिट करने आए थे नाइन्टीज़ में तो उन्होंने कहा था जी मेरा बेटा इसको देखने आएगा ये बात सच्ची है हाँ बिल्कुल ठीक क्या कहा था उन्होंने उन्हें कहा था कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा इधर इस घर को इस गांव को देखने के लिए तो वो अब चौरानवे में अब कितना हर्षा हो गया अच्छा मुझे बताइए यकूब साहब मुझे यहाँ आपके घर वालों ने भी बताया कि एक कमरा तो आपने कहा जाकर देख ले जो खुला हुआ है लेकिन बाकी दो कमरों को आपने ताला लगा रखा है क्यों लगाया हुआ जिसको नुकसान ना पहुँचे ये सेफ़ रहे जिस हालत में आए इस हालत में ही रहे हमारी कोशिश तो यही यही है कि वो आए और देखें कि हमारे बाप दादा का ये घर है और यहाँ उन्होंने जन्म लिया है क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम जब भी ट्रैवल करते हैं कि पासपोर्ट पर जब लिखते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ कहाँ की है मैं लिखता मैं जब लिखता हूँ जेलम की है तो मैं बहुत खुश होता हूँ तो इसीलिए हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि आज यहाँ आएं वो अपनी आँखों से देख लें अपने बाप का घर और हमें भी खुशी होगी कि हम बहुत इंतज़ार कर रहे हैं हमने बहुत संभाल कर रखा हुआ है जी संजीव बाबा संजय दत्त देखा आपने कि रियासत साहब और याकूब साहब ने आपके वालिद साहब का जो घर है वो कितनी हिफाजत से रखा हुआ है जो तो भी है उनकी मेरे पास अच्छा ये कह रहे हैं उनकी तस्वीर भी है वो भी अभी आपको दिखाते हैं अच्छा मुझे बताइए कि इस घर को देखने के लिए और कितने लोग आ चुके हैं ये काफी आ गए मेरी डायरी में लिखे हुए हैं नाम उनके जो जो आते हैं ना उनके नाम मैं लिख लेता मैं आपसे गुजारिश करूँगा अगर के मैंने वीलॉग बनाना है और ये दो कमरे जिनको आपने ताला लगा रखा है इनको सिर्फ मैंने थोड़ा सा दिखाना है अंदर से तो ताले खोल देंगे आप खोल देंगे कोई बात नहीं बहुत शुक्रिया दोस्तों आए मैं पहले आपको एक वो कमरा दिखाता हूँ जो खुला हुआ है और उस वक्त इन कमरों के ये जो ताले लगे हुए हैं ये आप देख रहे हैं ताले ये खुल जाएंगे तो मैं आपको फिर बाद में ये दो कमरे भी आपको दिखाता हूँ दोस्तों इस घर में दाखिल होने के बाद एक ये कमरा है लेकिन ये नया कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है ये वाशरूम है गुस्सलखाना है यहाँ पर एक कमरा हुआ करता था उस दौर के अंदर लेकिन अब उसके ऊपर एक बालकोनी भी थी जिसको तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पर कहते हैं इनका कोई रसोई घर भी था और ये जो मेरे बाएँ जानबा आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन वही पुरानी है आ, इसको नहीं छेड़ा गया यहाँ पर यकीन चीज़ें रखी जाती होंगी और मुझे जो लगता है इस घर को देख के शायद यहाँ पर वो रसोई घर हो क्योंकि उस वक्त पंजाब का एक रिवायत थी कि जो रसोई घर होता था वो ओपन भी होता था तो हो सकता है यहाँ पर आ, एक मट्टी का चूल्हा भी हो सकता है और ये यहाँ बर्तन रखने के लिए गंजीना जिसको हम कहते हैं ये वो भी हो सकता है ये अगर आप देखें लकड़ी का ये दरवाज़ा उसी दौर का है इसको पेंट कर दिया गया है और शायद अहले खाना को पता नहीं था कि पेंट करने के बाद इसकी वो वाली वैल्यू तो नहीं रही लेकिन ये वही लकड़ी पुरानी है और ये कमरा है इस कमरे में जब हम दाखिल होते हैं तो इस तरफ देखें ये भी वही दरवाज़ा पुराना दरवाज़ा ये भी और ये यहाँ पर अगर आप देखें तो इसको ताला लगा हुआ है ये एक तिजोरी सी है जिसमें यकीन सुनील दत्त साहब या उनके डैडी जो हैं वो रखते होंगे और ये फ़र्श उसी दौर का इसके पत्थर जो लगे हुए थे ये देखें पत्थर उखड़ गए हैं लेकिन ये बड़ा खूबसूरत फ़र्श है और यकीन यहाँ पर लकड़ियाँ जलाई जाती होंगी लेकिन इसको बंद कर दिया गया और अगर इस तरफ आए तो ये देखें ये लकड़ी का ये दरवाज़ा है इसकी चौखट वही है लेकिन ये दरवाज़ा चेंज कर दिया इस तरफ भी अगर आप देखें तो उस दौर की तिजोरियाँ भी हो सकती हैं लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि इन जगहों पर और ये बंद कर दी गई है शायद यहाँ पर वो मूर्तियाँ भी रख सकते हैं और मूर्तियों की पूजा भी की जा सकती है लेकिन ये तिजोरी भी हो सकती है और अगर इसकी छत अगर देखें ज़रा तो आप दिखाइएगा छत वही बलियों की पुरानी छत है बड़ी खूबसूरत मैं संतागर में जिस हवेली में पैदा हुआ उसकी छत भी बलियों की थी और ये बड़ी रिवायती उस दौर की इसको भी पेंट कर दिया गया है और बड़ा महफूज रखा गया है इस घर को अभी जो मेरी साहिब खाना से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि ये मैंने इसलिए संभाल के रखा हुआ है कि मुझे सुनील दत्त कह कर गया था कि मेरा बेटा संजय दत्त एक दिन आएगा और इस घर को ज़रूर देखेगा और मैं आपको बताता हूँ कि ये कमरा तो उन्होंने हमें खोल दिया दो कमरे अभी खुलवाने पड़ेंगे क्योंकि साहिब खाना ने उन दो कमरों को ताला लगा के रखा हुआ है किसके लिए संजय दत्त के लिए तो संजीव बाबा ये आपके लिए मैसेज है आया मैं आपको अंदर वाला कमरा दिखाता हूँ ये देखें ये कमरा भी उसी दौर का है आ, लेकिन इसका फ़र्श ऊंचा करा लिया गया है इसकी अगर आप छतें देखें तो वो छत भी ये देखें ये रोशनदान उसी दौर का मेरे ऊपर लाइट भी आ रही है उस दौर का रोशनदान नज़र आ रहा है यहाँ से सूरज की रोशनी आया करती थी छत भी वैसी है और इसके साथ ये वाला कमरा है इस कमरे को चूंकि नुकसान पहुंचा था वक्त के साथ साथ तो इसको जो है इसकी छत तामीर करवा ली गई है ये वही दीवारें और मैं आपको बताऊं कि ये देखिए मैं आपको बताता हूं क्योंकि पहले दौर में ये देखिए ये एक गिट ये दो गिट और ये तीन उंगली कितनी चौड़ी आर्च है इससे होता ये था कि ये ए, कमरे जो हैं ये ठंडे रहते थे और हवा का गुज़र भी है तो आए मैं आपको वो वाले दो कमरे जिनको ताला लगा रखा है चौधरी साहब ने वो खुलवा के मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों मेरे पीछे आप देख रहे हैं ताला लगा हुआ तो जो अब खोल दिया गया है और ये कमरा संजय दत्त के जो वाले थे सुनील दत्त उनका कमरा ये खिड़की खिड़कियाँ उसी दौर की और वो यहाँ से झांकते भी होंगे और ये हिंदुओं के दौर की जो कंस्ट्रक्शन थी उसके अंदर ये ये जो है सलाखें हुआ करती थी लेकिन ये जाली बाद में लगाई गई है इसकी छत देखें बिल्कुल लकड़ी की उसी वक्त की महफूज तरीन छत है और कितनी मजबूत थी कि आज तक वैसी की वैसी है इस कमरे में ये देखें ये दराड़ें आ चुकी हैं दीवारों के अंदर लेकिन इस कमरे में सामान सिर्फ रखा गया ये लोग इस्तेमाल नहीं करते और इस्तेमाल इसलिए नहीं करते कि इसको एज़ इट इज़ प्रिजर्व कर लिया गया है तो आए मैं दूसरा कमरा भी दिखाता हूँ जिसको ताला लगा हुआ था दूसरे कमरे का ताला खोल दिया गया है और ये देखें यहाँ पर एक बड़े पुराने दौर का एक बड़ा पुराना अंग्रेज़ों के दौर का स्टाइल एक बल्ब भी लगा हुआ है और ये देखें ये कमरा उन्होंने हमारी ये खोल दिया उसी वक्त की लकड़ी है इसको प्रिजर्व करने के लिए इसके ऊपर पेंट भी कर दिया गया है और यहाँ पर ये उसी तरह की तिजोरी मेरा ख्याल है शायद ये तिजोरी से ज़्यादा मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये वो आर्चीज है जिसके अंदर मूर्ति रखी जाती होगी एक ये कमरा है और ये देखें लकड़ी का कितना खूबसूरत दरवाज़ा है ये और अभी तक ये प्रिजर्व है ये वाली वो कुंडियाँ हैं जो बचपन में जब लाहौर के अंदर पुरानी हवेलियों या पुराने घरों में लगी होती थी हम इसके साथ धागा बांधते थे धागा बांध के बहुत दूर बैठ के इसको हिलाते थे और जब कोई अहले खाना में से बाहर आता था तो, तो हम धागा तोड़ दिया करते थे तो ये हम बचपन में तंग किया करते थे ये कुंडी देख मुझे अपना बचपन याद आ गया और ये एक स्टोर है इसकी क्योंकि छत थोड़ी खस्ता हो गई है है उसी तरह प्रिजर्व कर रखी है और ये कमरा अगर आप ये देखें सामान रखने के लिए इसके ऊपर बर्तन पंजाब का जो एक अंदाज़ था बर्तन रखने का तो ये अभी तक वैसी की वैसी ही जाली है और ये छत अगर आप देखें इसके बीच में जो शहतीर लगा हुआ है वो किस कदर ताकतवर आपको अभी भी तवाना नज़र आता है और बलियाँ भी वही हैं इसको भी प्रिजर्व करने के लिए पेंट कर लिया गया और ये देखिए ये वो दरवाज़ा और अगर हम इस तरफ आएँ तो ये, ये जो स्विच है ये वही पुराने दौर के स्विच है इसको बदल दिया गया है ये ख़ास तौर पर काले वाले ये ऑन ऑफ किया करते थे और अगर आप ये देखें तो इसकी इसकी जो कुंडी भी है ये भी वही है ये देखें कुंडी लगी हुई है उस दौर की बड़ा प्रिजर्व कर रखा है इन्होंने इस घर को मैंने आपको संजय दत्त के वालिद का घर दिखाया और इनका यहाँ पर एक खूह भी था मतलब कुआं था वहाँ बेरी भी हुआ करती थी तो सुनील दत्त साहब जहाँ खेलते थे और इनकी ज़मीनों के ऊपर वो बेरी भी थी अब मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ आइए मेरे साथ दुनिया की तरक्की के साथ साथ हमारे गांव भी तरक्की कर गए मगर आज भी गांव की ज़िंदगी गांव के लोग वही हैं सच्चे सुच्चे मोहब्बत करने वाले प्यार करने वाले प्यार बाँटने वाले और प्यार लेने वाले यहाँ के लोग 47 में चले जाने वाले अपने साथियों मोहल्लेदारों और दोस्तों को याद करके आज भी उनके किस्से सुनाते हैं आज भी यहाँ पर चौपाल में बूढ़े बैठकर हुक्का पीते हुए उस दौर को याद करते हैं उस दौर के हिंदू सिख ईसाई दोस्तों का तस्करा करते हैं सुनील दत्त का ये रकबा है और ये तकरीबन एक मुरबा ज़मीन है मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ये इस तरफ देखें ये वहाँ से शुरू होता है वो दूर तक जो रुख यानी दरख्त नज़र आ रहे हैं वहाँ से लेकर और ये सारा इलाका इस दीवार तक इस दीवार तक ये सारा इलाका जो है ये आ, सुनील दत्त साहब का था दत्त फैमिली का था और मैं आपको आ, दिखाता हूँ वो दरख्त बेरी का दरख्त ये है जी वो बेरी का दरख्त जिसको देखने के लिए सुनील दत्त साहब जब पाकिस्तान आए थे तो यहाँ भी आए थे और ये वो कुआं था जो कि अब कुएं का सिस्टम बदल के अब यहाँ पर मोटर लगा दी गई है देखें वो सामने मोटर लगी हुई है इस ज़मीन पर एक बेरी का दरख़त मैंने आपको दिखाया है जो 47 से बहुत पहले का है और ये जो दरख्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लसूड़े का दरख्त है और ये भी उसी दौर का है 47 से पहले का है पंजाब की खूबसूरत हवा पंजाब की रहतल बैतल और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये सरसों का खेत है सरसों का साग लगा हुआ है यहाँ पर बहुत सारे पाकिस्तान से गए आर्टिस्ट जो इंडिया के सुपरस्टार बने और बहुत सारे वो लोग थे जो वहाँ से यहाँ पर आए और उन्होंने फिर पाकिस्तान के लिए काम किया दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं सफ़िया साहिबा और ये दत्त फैमिली के तमाम लोगों को जानती हैं जो संजय दत्त के बड़े थे उनके बारे में असलम जी वालकम सो क्या हाल है ठीक ठाक हो जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैंने ये दसो कि दत्त फैमिली नु जान ਆ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਜਾਣਿਆ ਵੰਤੋ ਕੀ ਜਾਣਿਆ ਅਗੋਂ ਪਣੇ ਬਾਬਿਆਂ ਸੇਖ ਜਾਣਿਆ ਬਾਬਾ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਸੇਖ ਜਾਣਿਆ ਸਿਲਿੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਬਲਾਈਤੀ ਉਸਾ ਪੁੱਤਰ ਆ ਉਸ ਕੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਸੁਨੀਲ ਦਤ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਦਸੋ ਸੁਨੀਲ ਦਤ ਉਸਨੇ ਨਿਕਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਆ ਉਹ ਛੋਟਾ ਅੱਛਾ ਸੁਨੀਲ ਦਤ ਦੇ ਵਾਲਦਾ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਰਾਮ ਲਾਲ ਰਾਮ ਲਾਲ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਦਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨਾ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦੀ ਆਈ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੱਤ ਫੈਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਅਸਾਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਸੁਣਿਆ ਇਸ ਮਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਆਖਿਆ ਵਸਾਂ ਨੇ ਪਹਿਣਾ ਭਰਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਤਾ ਉਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦੇਖਣੇ ਦਾ ਮਾਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਮਾਰ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਅਸਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਹਰ ਗਏ ਆਹ ਅੱਛਾ ਪੈਣਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੂ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੱਤ ਫੈਮਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਹੈ ਸੀ ਹਾਂ ਸੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਇਤਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਵੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆ ਨਾ ਇਸਨੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜ ਕਿ ਛੇ ਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਵਿਮਲਾ ਤੇ ਮਿੱਤੋ ਤੇ ਪੁਸ਼ਬਾ ਤੇ ਤੋਸ਼ੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੀਲ ਦੱਦਾ ਵਾਲਾ ਸੀ ਓ ਰਾਮ ਦਾਦਾ ਨਾਮ ਲਾਦਾ ਇੱਕੋ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਸਪੈਨਾ ਸੂਰਜ ਅਸਾਂ ਕਿਥੇ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਅੱਗੋਂ ਫੇਰ ਨਾਂ ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਆ ਅੱਜੇ ਦਾਦੀ ਗਾਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਮਰਾਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤੋ ਇਨ ਕੋ ਇਨਕੀ ਉਮਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮਰਾਂ ਕਿਹੇ ਪਤਾ मैनो यह दसो कि पाकिस्तान तो पहले तो इतने रह रहे, रहे ना या बाद चो ना असा इतना बिलकुल ये मुगल है और ये फोर्टी सेवन से पहले के यहाँ पर रहने वाले है मुकामी लोग है यहाँ के और इन्होने बताया कि राम लाल साहब जो है वो संजय दत्त के दादा थे और उनकी कितनी बेटियाँ थी ਉਸ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 6 ਆਈਆਂ ਜਾਂ 5 ਆਏਗਾ 6 ਜਾਂ 5 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੀ ਅਜ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੋੜਿਆ ਸੀ ਹਥੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਣਾ ਪਰਾਵਾ ਵਗੈਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਤਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਾ ਪਹਿਣਾ ਪਰਾਵਾ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਕੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਾਇਆ ਨਸਾ ਉਸकी ਤਾਇਆ ਸੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਪਿੱਛੋ ਗਿਆ ਰਿਆ ਬਾਬਿਆ ਕੋਈ ਨੇ ਕੋਈ ਸੇ ਪਹਿਣ ਪਰਾਵਾ ਇਦਾਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਐਸ ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਕੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਮੀਨ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਹੋ ਜਾਗ ਤੱਲਾਹ ਕਲਮ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾ ਸਦਾ ਸੋਹਣੇ ਕੱਢੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੇ ਕੱਢੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਸਜਣੋ ਬੇਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੰਜੀਤ ਦਾਦਾ ਘਰ ਯਾਨੀ ਸੁਨੀਲ ਦਾਦਾ ਘਰ ਤੇ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਜੀਤ ਦਾਤ ਲਈ ਕਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਘਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਨੇ ਆਗੇ ਜੀ ਸੰਜੀਤ ਦਾਤ

अच्छा तुम तो उस वावा जवान सो माशाल्लाह माशाल्लाह सुनील साहब की तस्वीर जो इन्होंने संभाल के रखी हुई है और फिर ये, ये वही आ गई ये मेरे भतीजे को पैसे दे रहे हैं अच्छा हाँ घर में घर में हार नहीं पाया हुआ अच्छा 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 यहाँ खड़े हुए थे इधर अच्छा हाँ ये।, ये अच्छा मैंने ये दसो कि

ਜੇਲਮ ਜੇਲਮ ਤੇਰੇ ਆਏ ਜੇਲਮ ਆ ਹਾ ਸੰਜੀਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹਲੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸੁਨੀਲ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਸਾਹਿਬ سے کہا تھا ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਆਏਗਾ ਇਸ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਤੋਂ ਸੰਜੂ ਬਾਬਾ आपके लिए ऑफ़र है आप आएँ पाकिस्तान मैं आपको दावत देता हूँ मेरे मेहमान बने और मैं आपको आपके डैडी के गाँव का विज़िट करवाऊँगा और आपके अजदाद का ये घर आपको दिखाऊँगा इजाज़त खुर्द जहलम तो ते अगली बारी नवे विलाग के नाल फिर ताकि खिदमत च हाज़िर होवगा एस दुआ दे नाल के अल्लाह हमें आसानियाँ फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अतः फरमाए आमीन असलमकम वरम वबरकू